फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए। जब हम पॉपुलर सितारों के कुछ प्रोजेक्ट सुनते हैं तो मन में आता है, यार सच में आ रहे हैं या फिर झूठी खबर उड़ रही है। ऐसे में मैं बात करूंगी आपके प्यारे शहीर से, जिन्हें आप लास्ट शो वो तो है अलबेला जैसे शो में देख चुके हैं, जो स्टार भारत पे था और जो सक्सेसफुली गया है। ये कहें लॉन्गेस्ट शो था राजन साई का। वैसे तो राजन साई के सभी शो कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट ही चलते हैं। ऐसे में जो है आपकी प्यारी अंजलि आनंद, जिन्हें आप लास्ट खतरों के खिलाड़ी में देखा है, वैसे तो वो टीवी शो भी कर चुकी हैं रियलिटी शो के अलावा। और अब फिर बात करते हैं आपकी जो है मीरा दोसाला, जिन्हें लास्ट आप जो है सोनी टीवी पे देख चुके हैं, दहेज प्रथा पे एक शो आया था ना उस पे। तो ऐसे में ये तीनों ही स्टार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और जब भी किसी टीवी शो की न्यूज़ में छाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खबरों में आते हैं। इनकी छोटी सी न्यूज़ चिंगारी की तरह आग पकड़ती है। तीनों ही मोस्ट पॉपुलर हैं। ऐसे में आज सुबह से खबर उड़ रही है मीरा आपकी और जो है शहीर शेख और आपकी जो प्यारी सी जो है अंजलि, ये तीनों रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाले हैं। अब वो रियलिटी शो कोई छोटा मोटा रियलिटी शो नहीं है, बिग बॉस सीजन 18 सलमान खान का रियलिटी शो में काफ़ी स्टारों को अप्रोच किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि नहीं अप्रोच नहीं किया गया होगा, हो सकता है, लेकिन अगर बात करें क्या ये शो का हिस्सा बनेंगे, क्या ये वाकई ही रियलिटी शो में आएंगे, तो ऐसे में अगर मैं बात करूं आपके शहीर शेख की, तो शहीर शेख का मुश्किल है कि वो रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि अगर हम बिग बॉस की बात करें तो वो कंट्रोवर्सी वाले स्टारों को ज़्यादा लेते हैं, जो ट्विटर पे रहते हैं या कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और शहीर शेख ऐसे कुछ भी नहीं है कंट्रोवर्सी में। वो एक फैमिलियर हैं या कह सकते हैं बेस्ट लिस्ट में गिने जाते हैं, या फिर जो है काफ़ी पॉपुलर हो इस वजह से बिग बॉस में लाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल टीवी इंडस्ट्री से जो है आपके शहीर शेख काफ़ी दूर हैं। ऐसे में वो बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं और जहाँ पे उनकी मूवी भी जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है कृति सोनम के साथ, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा जो है कम बैक टीवी पे करेंगे, और अगर करेंगे तो रियलिटी शो में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम बात करें अंजलि आनंद की, तो अंजलि आनंद को कई बार जो है खतरों के खिलाड़ी का ऑफर हो चुका है। वो थोड़ा सा जो है इस शो से या कंट्रोवर्सी वाले शो से रियलिटी शो से थोड़ा दूर रहती है। खतरों के खिलाड़ी में इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता, वहाँ स्टैंड दिखाना होता है। मीरा की बात करें तो वो शायद आ सकती हैं, क्योंकि एट दिस टाइम वो टीवी पे फिर से अपनी वही इमेज बनाना चाहती हैं, या वो ये कहें कुछ दिन पहले वो कंट्रोवर्सी में भी थी जहाँ पे मेकर्स ने उनकी जो है पूरी फीस नहीं दी थी, जिसकी वजह से उन्हें रोज़ जो है चक्कर लगाने होते थे और वो काफ़ी बड़े जो हैं प्रोड्यूसर थे या हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वो आ जाए। बाकी का जो है आपको क्या लगता है, इन तीनों स्टारों में से अगर किसी को अप्रोच किया गया है तो कौन सा जो है बिग बॉस का हिस्सा बनेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।